नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में 13,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से साल 2014 में शुरू की गई बहाली प्रक्रिया अब जाकर अपने मुकाम पर पहुंचने वाली है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के जरिए 13,120 पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जल्द से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस बहाली को 7 साल से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन इसके बीतने के बाद भी नियुक्ति प्रतिक्रिया पूरी नहीं हुई है, जिसके बाद से ही इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों को खासी नाराजगी भी उनकी सामने आ रही थी। हाल ही में सभी अभ्यर्थियों ने BSSC से इसकी शिकायत भी की थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा को फाइनल रूप देने के लिए काउंसलिंग के लिए परिणाम जारी कर दिया गया है। इस बाबत आयोग सचिव ओम प्रकाश पाल ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस काउंसलिंग के माध्यम से राज्य में लगभग 42 विभिन्न प्रकार के पदों पर 13,120 पदों पर नियुक्ति होनी है। काउंसलिंग में 14,410 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। यह नियुक्ति प्रक्रिया के पूरी होने के बाद राज्य में खाली पड़े राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत सचिव के पदों पर 7,000 से अधिक की नियुक्ति हो जाएगी। इसको लेकर आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने साफ कर दिया है कि सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी काउंसलिंग जल्द शुरू हो जाएगी। इसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। बताया जाता है कि आयोग की तरफ से 10 दिसंबर तक काउंसलिंग का काम शुरू हो सकता है। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। इसके लिए ही आयोग ने बामेती भवन को काउंसलिंग सेंटर बनाने की तैयारी भी करने की बात कही थी। ज्ञात हो, प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए साल 2014 में आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें लगभग 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। साल 2016 में पटना हाईकोर्ट ने अधिक उम्र वालों को उम्र सीमा में छूट देते हुए आवेदन का एक मौका दिया था, जिसके बाद 29 जनवरी और 5 फरवरी 2017 को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद ही सरकार ने परीक्षा को ही रद्द करने का आदेश सुनाया था, जिसके बाद साल 2018 में दोबारा PT परीक्षा का आयोजन हुआ। उसका परिणाम साल 2019 में जारी हुआ और पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद साल 2020 में मुख्य परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परिणाम ही साल 2021 में जारी किया गया। इसमें लगभग 54,000 अभ्यर्थियों ने सफलता अर्जित की। इसमें सफल अभ्यर्थियों को अगस्त महीने तक शारीरिक दक्षता परीक्षा, टाइपिंग, आशुलेखन परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके बाद इसका परिणाम जारी करते समय साल 2016 में लिए गए आवेदन में तकनीकी त्रुटि की जानकारी दी गई। इसके बाद लगभग 1200 अभ्यर्थियों को दोबारा पीटी में सफल घोषित करते हुए उनका मुख्य परीक्षा लिया गया, जिसमें कि सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा, टाइपिंग और अश्वलेखन परीक्षा लिया गया। इसके बाद अब सभी का काउंसलिंग के लिए परिणाम जारी किया गया है। इसके साथ ही उम्मीद अब यही की जा रही है कि जल्द ही इन अभ्यर्थियों की बहाली हो जाए, जिससे अभ्यर्थियों की मुश्किलें भी कम हो। हालांकि लगातार अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि विभाग इस तरफ कोई पहल करेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।